अभी भी याद है जब पहले बार बैंगलोर आश्रम में आया था 2004 में, तब पहले एडवांस कोर्स था, तो एडवांस कोर्स के इंटरनेशनल एडवांस कोर्स, तो सुना था कि बाद में भी ऐसे दर्शन एक लाइन होता, मौका होता है कि गुरुजी से कुछ पूछने के लिए या उनसे मिलने के लिए, तो किसने बोले कि हाँ गुरुजी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसे लाइन में खड़े हो गया, तो गुरुजी ऐसे एक एक सबसे मिलते थे, तो जब मेरे सामने आए थे तो मैंने पूछा कि गुरुदेव कुछ पूछना है, तो मैंने बोला कि मेरे मन में ये विचार है कि आर्ट एंड लिविंग टीचर बनना है, तो डू यू ऑल्सो थिंक इट्स अ गुड आइडिया, तो ऐसे देखा हो बोला हाँ करो, तो देन सो देन आई आस्क्ड हिम तो TTC कब कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग कब, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि अरे उसका जो मिनिमम एज 23 ऐसे कुछ था, तो ऐसे ठीक है तो एक साल में कर सकते हैं। एंड अचानक उसी टाइम पे मेरे मन में एक और प्रश्न आया, तो मैंने पूछा अच्छा गुरुदेव जब आपको याद करता हूँ जैसे घर में या ना ऐसे नो व्हेन आई थैंक यू और रिमेंबर यू, तो आपको पता चलता क्या ना, डू यू नो, जैसे पहुँचता है, तो ऐसे देखा फिर स्माइल किया फिर बोलते कि हाँ, तो मैं तो खुश हो गया हाँ गुरु जी को पता चलता है, फिर प्रणाम करके फिर उन्होंने चले गए गुरुदेव नेक्स्ट ना, आगे और बहुत लोग खड़े थे। फिर एक दो मिनट के बाद अचानक मन में लेकिन कैसे पता है? देखो बोलना तो आसान है, गुरु जी ने बोले कि हाँ पता चलता है, लेकिन मुझको कैसे पता कि सच में उनको पता चलता या नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर एक दो हफ्ते बाद गुरुदेव फिर जाने वाले थे, जैसे विदेश तो जाते रहते हैं इतना ट्रैवल करते रहते हैं, तो कुछ दिन आश्रम में थे यहाँ पे, फिर जाने वाले थे, तो सत्संग में जैसे एक बड़ा लाइन लग गया था, क्योंकि सब लोग जाने से पहले एक बार मिलना चाहते थे, पूरा लाइन लग गया था, और मेरा अंदर भी एक इच्छा था कि उनको एक बार धन्यवाद बोलने के लिए, प्रणाम करने के लिए, लेकिन इतना भीड़ था और को तो पता है यहाँ पे कैसे होता है, उस टाइम पे तो और था, तो एक दूसरे के ऊपर ये सब तो सोचने उसमें जाने का मन नहीं था, तो मैं सोचा था कि ठीक है जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ से हम ना ऐसे प्रणाम करेंगे, तो हमारा विशालक्षी मंडप वो बड़ा मेडिटेशन हॉल में था, तो जहाँ से मैं बैठा था तो ऐसे सीधा गुरुदेव को देख सकता था, तो थोड़े आँखें बंद करके ऐसे मन में बोला कि ठीक है गुरुदेव, अंदर से ऐसे प्रणाम किया कि थैंक यू सो मच नो आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम। फिर जब आँखें खोला और देखा स्टेज की तरफ, देखा कि गुरुदेव किसी से बात कर रहे थे, जैसे सामने कोई वो सोफा पे बैठे थे, फिर जब भी मैं जैसे फिर आँखें खोल के उनको देख रहे थे तो ऐसे ऊपर देखे सीधा मेरे तरफ और ऐसे स्माइल किया और फिर ऐसे करके ऐसे किया, तो मैं सोचती कि अरे शायद कुछ नो VIP कोई गेस्ट आया ऐसे कुछ, तो मैं ऐसे देख रहा था कि ना पीछे से कोई आया है क्या, कोई नहीं था, फिर देखा फिर नहीं सच में गुरुदेव तो मेरे तरफ देख रहे और ऐसे स्माइल करके ऐसे करके और फिर ही कंटिन्यू। फिर अंदर से एकदम लगा नहीं अरे क्या हो गया कैसे हो गया, फिर अचानक वो याद आया कि एक दो हफ्ते पहले मैंने पूछा था कि गुरुदेव जब आपको याद करता हूँ या व्हेन आई थैंक यू आई रिमेंबर यू डू यू नो, उन्होंने बोला कि हाँ नो, तो देन आई थॉट अरे, तो लाइक दैट इट्स लाइक स्मॉल स्मॉल क्लूज नो, ऑफ कोर्स वी कैन वंडर,